नमस्कार, स्वागत है आपका एचसीएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। रविवार का दिन सूर्य देव की पूजा का दिन माना जाता है। मान्यता है कि रविवार के दिन नियमित रूप से सूर्य देव का उपवास और आराधना की जाए तो उपासक की सारी दरिद्रता दूर हो जाती है। हिंदू पौराणिक कथाओं में सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। आदिकाल से सूर्य की पूजा उपासना भी की जाती है, इसीलिए सूर्य को आदि देव के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिदिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को जल अर्पित करने को बहुत ही पावन कार्य बताया गया है। कथाओं में कहा गया है कि सूर्य उपासना से इंसान बलिष्ठ होता है और उसमें सूर्य जैसी तेज आती है। प्रमुख रूप से रविवार के दिन व्रत रखना और नियम पूर्वक सूर्य की पूजा करना आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत ही लाभकारी बताया गया है। इसके बाद संभव हो तो लाल फूल और चंदन धूप अर्पित करें। सूर्य पूजा के लिए व्रत करना आवश्यक नहीं है, आप चाहें तो सूर्य उदय से सूर्यास्त तक व्रत कर सकते हैं। शाम को भी सूर्यास्त से पहले शुद्ध घी के दीपक से भगवान सूर्य की आराधना करें। इस प्रकार आपकी एक दिन की पूजा या व्रत पूर्ण हो जाती है। कथाओं में कहा गया है भगवान सूर्य का उपासक कठिन से कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करता है और उसके आत्मबल में भी वृद्धि होती है। नियमित रूप से सूर्य पूजा करने से मनुष्य निडर और बलशाली बनता है। सूर्य पूजा मनुष्य को बुद्धिमान और विद्वान बनाता है। सूर्य पूजा करने वाले की आध्यात्मिक क्षेत्र में रुचि बढ़ती है और उसका आचरण पवित्र एवं शुद्ध होता है। सूर्य पूजा में मनुष्य के बुरे विचार जैसे अहंकार, क्रोध, लोभ और कपट का नाश होता है। सुबह सुबह नहाने के बाद सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। ओम नमः श्री आदित्याय नमः मंत्र जाप करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देवता को जल अर्पित करें और प्रणाम करें। इसके बाद सूर्याय नमः अर्घ समर्प्यामि कहते हुए पूरा जल समर्पित कर दें। अर्घ समर्पित करते समय नजर लोटे के जल की धारा की तरफ रखें। जल की धारा में सूर्य का प्रतिबिंब एक बिंदु के रूप में जल की धारा में दिखाई देगा। ऐसे ही धार्मिक वीडियोस के लिए देखते रहें एचसीएन न्यूज़। शुक्रिया।